अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, आप सबको हमारे चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अजीम और प्यारी हस्ती के बारे में मालूमात लेकर आए हैं जी, और उनका नाम है हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी ईस्वी में मक्का शहर में इस्लाम की बुनियाद रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसआदत 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर मुताबिक 20 अप्रैल 571 को हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है इसमें ग्रामी मोहम्मद है। दीगर आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद मस्कूर है, जबकि कुरान और अहदीस और सीरत की किताबों में आपके सैकड़ों सफाती नाम जिक्र किए गए हैं। बास ये हैं मुजम्मिल, मुदस्सिर, रऊफ, रहीम, मुस्तफ़ा, मुज्तबा, मुर्तज़ा वगैरह। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश के एक आला ख़ानदान बनू हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। उम्र मुबारक तकरीबन 5 साल की हुई तो वालदा माजदा 576 में विसाल फरमा गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब रजी ताला अन्हा ने की। 2 साल के थे जब दादा जान भी पर्दा फरमा गए, और परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने संभाली। हलीमा सादिया की किस्मत चमक उठी। शर्फाए अरब का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिर्दो नवा के देहातों में भेजते थे, ताकि देहात की साफ सुथरी आबो हवा में उनकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाए और वो फसी अरबी जुबान भी सीख जाएं। इसी दस्तूर के मुवाफिक वालदा माजदा ने बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया रजी ताला अन्हा के साथ उनके कबीले भेज दिया, जहां वो आपको दूध पिलाती रहीं। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर बरकात का जहूर हुआ। आपकी सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, अहद की पाबंदी, रहमो सखाफत, दोस्तों से हमदर्दी, अजीज़ों की गमख्वारी, गरीबों और मुफलिसों की खबरगीरी अलगर्स तमाम ने खसलतों का मजमुआ थी। हिर्स, तमा, दगा, फरेब, छूट, शराब नोशी, नाच गाना, लूट मार, चोरी और फहश गोई वगैरह तमाम बुरी आदतों और खसलतों अयूब व नकाइस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पाक और साफ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानत और दयानत का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता था। आपका ख़ानदानी पेशा तिजारत था। 13 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का तिजारती सफ़र फरमाया, जबकि 23 साल की उम्र में तजारत के लिए हजरत खतीजा रजी ताला अन्हा का माल लेकर उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम का दूसरा सफ़र इख्तियार किया। पहला निकाह
हजरत खदीजा रजी तालान्हा से 25 साल की उम्र में किया था। 613 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुवत किया। आप इबादत के लिए मक्का से 3 मील दूर गारे हिरा में इबादत के लिए जाया करते थे। पहली वही भी गारे हिरा में ही पह आई थी। फिर 3 साल तक दीन इस्लाम की तबलीग का काम पोशीदा करते रहे। सबसे पहले इस्लाम लाने वाले नौजवान में हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हा पहले नौजवान थे। बच्चों में हजरत अली रजी ताला अन्हा पहले थे। औरतों में हजरत खदीजा सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थीं। फिर हजरत उस्मान गनी, हजरत सुबैर बिन आवाम, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा बिन अबैदुल्ला रजी ताला अन्हा भी इस्लाम के दामन में आ गए। कुरैश को दावत इस्लाम 3 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अपने कबीले वालों को दावत इस्लाम दी गई। अजाब इलाही से डराया गया, लेकिन उन्होंने दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया और नाराज होकर ना सिर्फ चले गए बल्कि आपके खिलाफ ओल फोल बकने लगे। एलानिया दावत इस्लाम और कुफार का जुल्म सितम, एलान नबुवत के 4th साल आप एलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे। शिर्क व बुतों परस्ती की खुलम खुला बुराई बयान फरमाने लगे, जिस पर कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। नेस आपको और दीगर मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफें देने लगे। आपके चचा हजरत हमजा और हजरत उमर रजी ताला अन्हा के कबूले इस्लाम से दीन इस्लाम को बहुत तकवीयत मिली, लेकिन फिर भी कुफार की मुखालफत ख़त्म ना हुई बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। कुफार ने आपके ख़ानदान वालों का मुकम्मल बायकॉट करके एक पहाड़ की घाटी तक महसूर कर दिया, जिसे शुएब अबी तालिब कहा जाता है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 617 से 619 हिजरी में 3 साल रहे और आपको बुरी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अहले मदीना का इस्लाम कबूल हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कबाइल को दावत इस्लाम देते और हर साल कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते। ऐलान नबुवत के 13वें साल मदीने से आए हुए 72 अफराद ने इस्लाम कबूल किया और वापस जाकर अपने इलाकों में दावत इस्लाम देना शुरू कर दिया। और रफ्ता रफ्ता शम्मा इस्लाम की रोशनी मदीने से कुबा तक घर घर फैल गई। हिजरत मदीना ऐलान नबुवत के 13वें साल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त अता फरमाई और बाद में हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हा के साथ खुद भी हिजरत करके वहां तशरीफ ले गए। 622 में मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को 11 साल शर्फ़े क़याम बख्शा। इन सालों में पेश आने वाले मुख्तलिफ अहम वाक़यात हुए। पहला साल मस्जिद कुबा 622 हिजरी मस्जिद नबी की तामीर की गई। पहला जुम्मा अदा फरमाया, अजान व इकामत की इब्तदा हुई। दूसरा साल किबला तब्दील हुआ, यानी बैतुल मुकद्दस की बजाय खाना काबा की तरफ मुकर के नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। 624 में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए, नमाज ईदैन व कुर्बानी का हुक्म दिया गया। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी ताला अन्हा का हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ।
मुसलमानों को गज़वाए बदर में फतह मुबीन हासिल हुई। तीसरा साल 624 हिजरी में कुफार के साथ गज़वाए ओहद का मार्का दरपेश आया। एक कौल के मुताबिक इसी साल शराब को हराम करार दिया गया। चौथा साल सलात अल खौफ का हुक्म नाजिल हुआ। हजरत अमाम हुसैन रजी ताला अन्हा की वलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत उम्म सलमा और हजरत ज़ैनब बिनते जैश रजी ताला अन्हा से निकाह फरमाया। नमाज कसर और पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। पांचवा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जवेरिया रजी ताला अन्हा से निकाह फरमाया। 627 हिजरी में गज़वाए एज़ाब यानी गज़वाए खंदक और गज़वाए बनी मुतल्लिक वाक़े हुए। तयम्मुम का हुक्म भी इसी साल नाजिल हुआ। छठा साल सुलह हुदैबिया और रबीअते रिज़वान वाक़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम इस्लाम की दावत पर मुश्तमिल खतूत रवाना फरमाए। हबशा के बादशाह हजरत नजाशी रजी ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जादू किया गया और इसके तोड़ के लिए सूरे फलक और सूरे नास नाजिल हुई। सातवें साल में गज़वाए खैबर और गज़वाए ज़ातुल रिका वाक़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा हजरत सफिया और हजरत मैमूना रजी ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी ताला अन्हा की नमाज असर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुआ से सूरज वापस पलटा। आठवें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लख्त जिगर इब्राहिम रजी ताला अन्हा की विलादत हुई। गज़वाए हुनैन 630 हिजरी वाक़े हुआ। मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। नौवें साल शाह हिबशा हजरत नजाशी रजी ताला अन्हा का विसाल हो गया। मुख्तलिफ वफूद की बारगाह रिसालत में हाजिरी हुई। हज की फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ। गज़वाए तबूक 631 वाक़े हुआ, जिसके लिए सहाबा कराम अलैहिमुल रिजवान ने दिल खोल कर माली मुआवनत की। दसवां साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लख्ते जिगर हजरत इब्राहिम रजी ताला अन्हा का विसाल हो गया। 631 साल में आपने हज अदा फरमाया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर 12 जून 632 ईस्वी को 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया और हजरत सैयदना आयशा सदीका रजी ताला अन्हा के हुजरे यानी घर में तदफीन हुई।